नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में होंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल में यह पहला मौका है जब पीएम मोदी भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहां पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। अलीगढ़ के हरदुआगंज में समाजवादी पार्टी के नेता राकेश यादव की मंगलवार की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद सपा नेता की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की निगाहें राष्ट्रीय राजधानी पर टिकी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मई को महारैली करेंगे। वहीं अमित शाह और राजनाथ सिंह बुधवार को अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग द्वारा प्रचार पर बैन लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस फहरिस्त में नया नाम गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वधानी है। लोकसभा चुनाव के शुरुआती 4 चरणों में मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर बड़ा एक्शन हुआ है। 6 मई को होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए अब पोलिंग बूथ के अंदर सिर्फ केंद्रीय बलों की तैनाती होगी, यानी राज्य की पुलिस को पोलिंग बूथ से दूर रखा जाएगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने लगभग 50 गाड़ियां जलाई हैं। नक्सलियों ने यहां कुरखेड़ा तालुका के दानापुर इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि रात के 11 से 3 बजे के बीच नक्सलियों ने यह अग्निकांड किया। पुलवामा आतंकी हमले के गुनाहगार और जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को आज संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल आतंकी घोषित कर सकता है। भारत पिछले लंबे समय से इस कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर टांग अड़ा रहा था। चक्रवात फानी उड़ीसा आंध्र प्रदेश जैसे तटवर्ती इलाकों के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कहर ढा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 2 और 3 मई को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में फानी के कारण हल्की सी मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। न्यूयॉर्क के मेयर बिल डे ब्लासियो ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मंगलवार को एक शासकीय आदेश जारी कर किसी भी सरकारी जगह पर शराब के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोट परिसर में मंगलवार को हुई गोलाबारी में लगभग 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए हैं। विश्वविद्यालय के आपात प्रबंधन कार्यालय ने ट्वीट कर सभी को इस संबंध में जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जेनावन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडेस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनावन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।